एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगनर फ्रेंडली। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोशन ट्रैकिंग के द्वारा किस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लर इफेक्ट बनाया जाता है। अगर आपने मोशन ट्रैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिल्मोरा से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोशन ट्रैकिंग के द्वारा ब्लर इफेक्ट बनाने के लिए जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने टाइमलाइन पे एक वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली इस वाले आइकन पे आकर मोशन ट्रैकिंग को अप्लाई कर देंगे अपने वीडियो के ऊपर। मोशन ट्रैकिंग अप्लाई हो जाने के बाद हम लोग सिंपली लिंक एलिमेंट में आएंगे और यहाँ से मोजेक को अपने वीडियो के ऊपर ऐड कर लेंगे। आप यहां से देख सकते हैं हमारे वीडियो के ऊपर मोजेक ऐड हो चुका है। आप इस एरो पे क्लिक करके मोजेक के शेप को चेंज कर सकते हैं। आपको यहां पे कुछ शेप मिलेंगे, आप जिस शेप को रखना चाहते हैं यहां से रख सकते हैं। आप यहां पर इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का ब्लर अमाउंट, आप यहाँ से मोजेक के ब्लर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप कितना ब्लर रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद ओपेसिटी, आप मोजेक के ओपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, 100 पे रहने देते हैं। अब हम लोग इसे रेंडर कर लेते हैं और अब आप अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। आपके वीडियो के ऊपर मोजेक अप्लाई हो चुका है, यानी कि ब्लर इफेक्ट बन चुका है। तो अब हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। यहाँ से हम अपने वीडियो को प्ले करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। रेस्ट पार्ट को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट टैब में आकर यहाँ से मोजेक इफेक्ट को सर्च कर लेंगे और इसे यहाँ से अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम लोग अपने पूरे वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देंगे इसे। अब हम लोग अपने वीडियो के ऊपर मोशन ट्रैकिंग अप्लाई कर देते हैं। मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। मोशन ट्रैकिंग अप्लाई हो जाने के बाद हम लोग लिंक एलिमेंट में आकर मोजेक को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसे रेंडर कर लेंगे। अब आप लोग अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, आपके वीडियो के ऊपर मोजेक अप्लाई हो चुका है। और यदि आप अपने वीडियो के ऊपर इफेक्ट या फिर कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी अपने वीडियो के ऊपर ऐड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से स्टिकर टैब में आ जाते हैं और यहाँ से आप जो स्टिकर को ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम लोग ये वाला स्टिकर अपने वीडियो के ऊपर ऐड कर लेते हैं। सेकेंड लेयर को पहले डिसेबल कर देते हैं और यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट करके लिंक एलिमेंट में आकर अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके वीडियो के ऊपर वो एलिमेंट अप्लाई हो गया है। इसी तरह से आप दूसरा एलिमेंट भी अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी मोशन ट्रैकिंग का यूज करके अपने वीडियो के ऊपर ब्लर इफेक्ट बना सकते हैं। ये वीडियो देखकर आप जान गए होंगे कि मोशन ट्रैकिंग के द्वारा आप किस तरह से अपने वीडियो के अंदर इफेक्ट्स या स्टिकर को अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।